हर हर महादेव। ये जो अभी अपने वीडियो में देखा, इसे कहते हैं फायरवर्क और लेजर शो, जो देव दीपावली के दिन काशी में मनाया जाता है। देव दिवाली यानी कि देवताओं की दिवाली। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन जो है भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का वध किया था, एक राक्षस था वो, और इसके उपलक्ष्य में जो है सारे देवता धरती पे आते हैं, वो भी महादेव की नगरी काशी में दिवाली मनाने के लिए। और इस दिवाली को काशी में बहुत ही हर्षोल्लास और धूमधाम से मनाया जाता है। ये एक ऐसा पर्व है जो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में प्रसिद्ध है। भारतीय के साथ साथ काफ़ी विदेशी भी इसको देखने के लिए आते हैं। डिमांड बहुत ज़्यादा होने के कारण, चाहे आप होटल की बात करें, चाहे आप गाड़ी की बात करें, चाहे आप बोट की बात करें, इवन जो बोट है इसका प्राइस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। अभी मेरे पीछे जो आप नाव देख रहे हैं, ये है बजरा बोट। सामान्य दिन में 10 से 12,000 में आपको ये बोट मिल जाएगी पूरी प्राइवेट, जो 2 से 2.5 घंटे के लिए आपके पूरा क्वालिटी फोर घाट घुमा के, गंगा आरती दिखा के, सब कुछ आपको ट्रिप करा देगी। लेकिन देव दीपावली के दिन इस बोट का जो स्टार्टिंग प्राइस है वो होता है आपका शुरू 2.5 लाख रुपए से, यानी कि 2,50,000, और इसकी पूरी बुकिंग प्राइवेट ही होती है। अगर बोट की साइज़ बड़ी है तो प्राइस भी बढ़ेगा। अभी हम लोग जिस तरीके से कुछ हमारे पुराने बोट्स बनाने जिनके साथ हम लोग हर साल काम करते हैं, डेली का उनके साथ काम होता है, लेकिन डिमांड ज़्यादा होने की वजह से हम लोग को अलग अलग घाट से और लोगों से मिलना पड़ रहा है। मैक्सिमम बोट्स आपके लिए अरेंज करनी पड़ रही है। तो ये छोटी छोटी बोट हैं, सामान्य दिन में जो 2,500, 3,000, 3,500 ऐसे मिल जाती हैं, जो आपको पूरे घाट घुमा के आरती दिखाती हैं। देव दीपावली के दिन इसका जो रेट है वो 50,000 प्लस से स्टार्ट होता है, और कोई भी शेयरिंग उस तरीके से नहीं कराता। 80 घाट पे जो नावें चलती हैं, जो वहाँ के लोकल बोटमैन हैं वो शेयरिंग कराते हैं, तो 1,500, 2,000, 2,500 इस तरीके से लोग पर पर्सन का चार्ज लेते हैं, और वो ट्रिप होती है मात्र आपकी 40 से 45 मिनट की। क्योंकि हम लोग जो बोट राइड लेके चलते हैं वो लेके चलते हैं 2.5 से 3 घंटे का। तो मेन हम लोग का प्रोस्पेक्टिव होता है कि हम लोग 5 बजे शाम को बोट राइड शुरू करा दें, ताकि जो घाट की सुंदरता शुरू होती है शाम को हल्का का सनसेट के बाद वो आप देखें, लेजर शो आप देखते रहें, और 7:30 से 8 बजे के बीच में जो फायरवर्क है जो अभी आप देख रहे हैं ये शुरू हो जाता है। ये होता है गंगा जी के उस पार में, 15 से 20 मिनट का पूरा ये शो चलता है। मेन जो अट्रैक्शन है वो यही चीज़ है, गंगा आरती आप कभी भी आएंगे देख पाएंगे। लेकिन कार्तिक पूर्णिमा यानी कि देव दीपावली जो गंगा आरती होती है दशाश्वमेध घाट की, वो भी थोड़ा अलग तरीके से होती है। लेकिन भीड़ इतना ओवर एक्सेसिव होता है कि अगर आप उस आरती के चक्कर में पड़ेंगे तो बाकी आप चीज़ें अच्छे से नहीं कवर कर पाएंगे। तो हम आपको ये रिकमेंड करेंगे, अगर आप आने का प्लान कर रहे हैं तो आप अपनी सारी बुकिंग प्री करके पहले से आएँ। हम एक ट्रेवल स्टार्टअप कंपनी है जो 7 से 8 साल से आपको ट्रेवल की सारी सेवाएँ प्रदान कर रहे हैं, और हर साल हम लोग देव दिवाली ऑर्गेनाइज करते हैं। बोट की सारी कैटेगरी हम लोग के चलते हैं, जैसे ये नॉर्मल बोट है, उसके बाद ये है आपकी लाइट मोटर बोट। ये हम लोग 2 कैटेगरीज ले रखे हैं ताकि जो बुकिंग कर रहे हैं उनको पहले से पता हो कि बोट का प्राइस दोनों अलग अलग होता है। आपको ये ना लगे कि आपको अच्छी बोट नहीं मिली है, आपको वो बोट मिलनी चाहिए थी, आपको दूसरी बोट मिल गई। इसलिए जो भी हमारे गेस्ट हमसे बुकिंग करते हैं, हम लोग उनके साथ पूरा फोटो वीडियो सब शेयर करते हैं, ताकि आप भी रिलैक्स होके आएँ और ऑन टाइम पे हमें भी सिस्टम को मैनेज करने में प्रॉब्लम न फेस करना पड़े। तो लास्ट ईयर भी जितने गेस्ट आए थे सब लोग आराम से अपनी अपनी बोट पे बैठे हैं, सबकी बोटें पहले से फिक्स होती हैं कि इस बोट पे इतने लोग बैठेंगे, तो हम लोग 1-2 दिन पहले ही बुकिंग पूरा क्लोज कर देते हैं। क्योंकि आप लोगों का जो खाने पीने का अरेंजमेंट है, स्नैक्स, मिनरल वाटर, दिया, आप लोग 2.5 से 3 घंटा बोट पे रहते हैं, वो सभी अरेंजमेंट करना होता है। अगर आप बाजरा बोट बुक करते हैं जो डबल डेकर की होती है, जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, तो इस तरीके की हम लोग काफ़ी बड़ी बोटें लेके चलते हैं ताकि गंगा आरती का प्रॉपर व्यू मिल सके। बस इसी बोट से आप अच्छे से आरती देख पाएंगे, अगर आरती आप देखना चाहते हैं तो। बाकी जो ये छोटी छोटी नावें हैं सारी, इन सब नाव से आरती देखना पॉसिबल नहीं हो पाता, कि बड़ी नाव जो होती है वो सामने का पूरा एरिया कवर कर लेती है। इस प्रकार के तमाम जो आपके सवाल होते हैं मैंने लास्ट ईयर भी कवर किया हुआ था, इस साल भी हम सारा टॉपिक कवर करेंगे। कुछ लास्ट ईयर के जो वीडियो के लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में पड़े हैं, वो वीडियो आप देख सकते हैं। अगर आप भी काशी आने का प्लान कर रहे हैं देव दीपावली अटेंड करने के लिए, हमारी टीम से बात करके अपनी सारी बुकिंग्स को करा सकते हैं। तब तक अपना ध्यान रखिए। हर हर महादेव।